2022 के बिटकॉइन का प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, जिसे आप चार्ट पर क्लियरली देख सकते हो। और अभी भी बिटकॉइन इसी ट्रेंडिंग रेंज में ही है। इस ट्रेंडिंग रेंज में अपर ट्रेंड लाइन सप्लाई जोन है, जिसका मतलब है सेलिंग लेवल, एंड डाउनसाइड ट्रेंड लाइन शो कर रहा है डिमांड जोन को, जिसका मतलब है बाइंग लेवल। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट एनालिसिस को लेकर, एंड सेकंड हम बात करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है $41,000 के अराउंड, एंड बिटकॉइन के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो बिटकॉइन एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए 37,000 के जो लेवल है वो एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल है, जहां पर हमने बिटकॉइन में बाइंग देखने को मिली है, और लास्ट कुछ वीक से बिटकॉइन ने इस लेवल को होल्ड करके रखा है। इसके अलावा लास्ट बाउंस बैक में भी आप देख सकते हो जो 100 डे मूविंग एवरेज है उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, और अभी भी बिटकॉइन इसी के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और इसके ब्रेक करने के जस्ट बाद ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के सामने, जो इस ट्रेडिंग रेंज की अपर ट्रेंड लाइन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रेंड लाइन बिटकॉइन के लिए सप्लाई जोन है। बिटकॉइन ने लास्ट 2-3 टाइम से यू टर्न लिया है। बिटकॉइन के लिए ये दोनों ट्रेंड लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है। इसे हम मार्केट में एक्युमुलेशन की तरह भी देख सकते हैं। एक्युमुलेशन पैटर्न भी इसी तरह फॉर्म होता है। बिटकॉइन के चार्ट को अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो 37,000 का सपोर्ट लेवल बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक होते हैं तो बिटकॉइन में और डाउनसाइड देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि बिटकॉइन असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है लास्ट कुछ वीक से, और जो लास्ट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का 42,500, बिटकॉइन उसे ब्रेक करने में फेल रहा है और फिर से 37,000 के प्राइस की तरफ मूव कर रहा है। यह था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस एंड मार्केट अपडेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। फर्स्ट न्यूज है, फिएट इज फार मोर कॉमन देन बिटकॉइन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, कंफर्म US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। मोस्टली सभी गवर्नमेंट का कंसर्न रहता है कि बिटकॉइन का यूज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है, बट क्रिप्टो क्राइम एंड सैंक्शन इवेजन के बढ़ते कंसर्न के बाद भी जो फिएट करेंसी है वो अभी भी इलीगल ट्रेड में सबसे ज्यादा यूज होती है। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 3 ईयर की रिपोर्ट रिलीज की है, जिस रिपोर्ट में कवर किया है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, जिसमें से ये निकल कर आया है कि फिएट करेंसी एंड ट्रेडिशनल नेटवर्क अभी भी सबसे ज्यादा कॉमन एंड स्ट्रॉन्ग वे है इलीगल फाइनेंसिंग का। नेक्स्ट न्यूज है, FTX CEO क्रिटिसाइज इंडस्ट्री स्टांस ऑन रशिया सैंक्शन। सैम बैकमैन-फ्राइड सेज दैट एक्सचेंज पॉलिसी टुवर्ड रशिया अपीयर्स टू अपोज रेगुलेशन। FTX के जो CEO है उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज किया है उनके स्टांस को लेकर, जो रशिया सैंक्शन को लेकर लिया है। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज की जो पॉलिसीज है रशिया सैंक्शन को लेकर, वो सैंक्शन रेगुलेशन को अपोज कर रही है। आपको नहीं पता तो बता दूं, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रही है, जिसके रिगार्डिंग में उन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट न्यूज है, EU रेगुलेटर्स वॉर्न क्रिप्टो इन्वेस्टर कुड लूज एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू द EU टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर, कंज्यूमर रिस्क लूजिंग ऑल देयर मनी इफ दे इन्वेस्ट इन क्रिप्टोस। EU के 3 रेगुलेटर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें क्रिप्टो इन्वेस्टर को वार्निंग दी गई है एंड बताया है कि क्या रिस्क है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी मोस्टली रिटेलर कंज्यूमर के लिए इन्वेस्टमेंट और एज अ पेमेंट मोड सूट नहीं करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड स्कैम भी बहुत कॉमन हो गए हैं, इसके साथ वो इंक्रीज भी हो रहे हैं। ये एक तरह की वार्निंग दी गई है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है, पॉपुलर NFT कलेक्टिबल BAYC लॉन्च इस नेटिव टोकन ApeCoin। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बोर्ड एप याच क्लब वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर NFT कलेक्शन है, और रिसेंटली इन्होंने अपना नेटिव टोकन ApeCoin लॉन्च कर दिया है, जिसे आप Binance एक्सचेंज पर बाय कर सकते हो। यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।